वेलकम टू माय चैनल हमारी डेली लाइफ। आज मैं इडली सांभर बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, सब्जी सब काट के रख ली हूँ। इसमें है बैंगन, कद्दू, लौकी, भिंडी और टमाटर और प्याज, इतना इसमें काट के रखी हूँ। और इधर देखिए अब्रेस्ट का सांभर मसाला, क्योंकि सांभर मसाला ये ब्रेस्ट का बहुत अच्छा होता है। और इधर अमली भिगा के रखी हूँ, देखिए कड़ी पत्ता रखी हूँ तोड़ के। उसके बाद दाल पक गया है मेरा, क्योंकि दाल पहले ही पका ली हूँ, इसीलिए दाल का टेंशन नहीं है। और इधर देखिए गैस चालू करके ये रख दी हूँ, तेल हो रहा है गरम। थोड़ा सा अभी हींग का तड़का देती हूँ। हींग और जीरा कड़ी पत्ता का तड़का देके उसके बाद सारी सब्जियां, जितना वेजिटेबल आप खाते हो सबको एक साथ में डाल दो और पके धीरे धीरे। मैं नमक टाटा का यूज करती हूँ, और क्योंकि टाटा का सबसे अच्छा होता है। डब्बा में से खाली हो गया था ना, इसीलिए मैं सोचिए भर भी देती हूँ इसी लगे। नमक है देखिए स्वाद अनुसार, क्योंकि दाल में पहले से भी नमक डाला हुआ है, तो आप हिसाब किताब से डालिए। सांभर मसाला है, सांभर मसाला थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं, क्योंकि ताकि अच्छा बने, स्वाद भी अच्छा रहे सांभर का। और लाल मिर्चा पाउडर है, और सब डाल के अब मिला दो। और उसके बाद मिला के ढक देती हूँ, ताकि ये तब से पकते रहे। और इसके बाद ये देखें अमली जो भिगाई थी मैं गर्म पानी में, तो इसको को बढ़िया से एकदम मैस लूँ, ताकि पूरा अमली हो जाए। तो इसका पानी भी उसमें डाल दूँगी सब्जी में सांभर के। इडली है अभी देखिए, उसका इडली का आटा है सांचा में भर दी हूँ, और ये रख दी हूँ गैस पे। पानी गरम हो रहा है, और ये सबको अभी रख देती हूँ एक एक को बराबर से, ताकि बॉयल हो जाए। और उधर सांभर का सब्जी रखी हूँ, पक रहा है अभी भी सांचा। अब तो बहुत अच्छा अलग अलग सांचे आ गए हैं। ये मेरा कम से कम 20 साल पहले का सांचा है, जब मैं प्रयागराज में आई थी यहाँ रहने बॉम्बे से, तब मैं लेकर आई थी। और ये देखिए सब्जियाँ पक गई है सांभर का। थोड़ा सा और गल जाए, कम से कम 2 मिनट मान लीजिए,
दो मिनट गल जाए तो अच्छे से उसको फिर देखिए ये पक गया है और दाल इधर रखी हूँ तो इसमें डाल देती हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए थोड़ा तो अच्छा रहेगा। मिलाने को अगर थोड़ा ये दोनों चीज़ एक साथ में पक थोड़ा मिल जाएगा, पक तो दोनों ही गया, सांभर भी दाल पहले ही पक गया था, सब्जियां पक गई हैं तो इसमें मिला दी, लेकिन ये है कि थोड़ा जैसे होता है ना गैस चला दो थोड़ा सा दोनों चीज़ का एक बलकाव बलक जाए तो मस्त एकदम आ जाएगा उसमें। देखिए फर्स्ट क्लास सांभर एक बलकाव बलक जाए उसके बाद फिर निकालते हैं। देखिए मेरा इडली सांभर चटनी तैयार हो गया, सुबह का ब्रेकफास्ट बढ़िया मस्त नाश्ता करिए। और अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, पुराने हैं तो देखिए वीडियो खूब भरपूर और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आगे जाए बढ़ाइए आप। और मेरा इंस्टाग्राम पे जाके हमारी डेली लाइफ नोडी का बहुत सारा वीडियो वहाँ भी रहता है, आप देखेंगे, और इसका छोटा छोटा रील मैं डाल देती हूँ। नमस्कार।